आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एक्सपेक्टेड डीआई क्वेश्चंस जो आपके LICWA 2023 में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के डीआई आपको पूछी जाएगी तो आज हम लोग ये डीआई करने वाले हैं एंड आज से हमारे प्रैक्टिस सेशंस शुरू होते हैं तो मैं आपको एक्सपेक्टेडली सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगी कि इस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं तो हम हर एक लेवल को कवर करेंगे ताकि ऐसा भी ना हो कि बहुत हार्ड क्वेश्चन हम टच करें और ऐसा भी ना हो कि बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ठीक है एंड डी आई हम लोग करेंगे तो आप मेरे साथ आने वाले सेशंस में भी बने रहना एंड इन केस आपको कोई और भी डाउट है बैंकिंग रिलेटेड या इंश्योरेंस रिलेटेड तो जितने भी हमारी स्टडी रिलेटेड वीडियोस हैं या स्ट्रेटजी वीडियोस हैं या डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं वो इस चैनल पे अवेलेबल हैं तो आप वहाँ से कर सकते हो एंड आई होप एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन ओके तो विदाउट एनी डिले हम लोग इसको शुरू करेंगे एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल है आप यहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे आप ये सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो अदरवाइज हमने डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड किया है वहाँ से जाके भी ज्वाइन कर सकते हो तो पहली डी आई यहाँ पर एक पाई डी आई है पाई चार्ट डी आई है तो मैं इसको आपको ना विदाउट पेन एंड पेपर करना भी सिखाऊंगी एंड ये बताऊंगी कि विदाउट वैल्यूज निकाले हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं एंड थोड़ा सा पाई चार्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो लेट मी जस्ट एडजस्ट ओके अब सही होगा ठीक है ये अपने आप सही हो जाएगा दो मिनट में तो ये क्वेश्चन है विदाउट एनी डिले शुरू करेंगे क्वेश्चन में उसने बोला गया हम लोग ना सबसे पहले एक चीज बहुत ज्यादा निगलेक्ट करते हैं वो ये होती है कि हम लोग ना इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ते इंफॉर्मेशन पढ़नी बहुत जरूरी होती है जितना क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी होता है उतना इंफॉर्मेशन पढ़ना भी जरूरी होता है तो यहां पे इसने बोला है कि चार्ट है और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जितनी लॉन्च किए पांच कंट्रीज़ ने वो यहाँ पे दी हुई हैं टोटल सैटेलाइट्स हमारे पास बारह हज़ार हैं इंडिया की बारह हज़ार में से बीस परसेंट है चाइना की पंद्रह परसेंट है ब्राजील की 25 परसेंट है रशिया की 10 परसेंट है नेपाल की 30 परसेंट है तो ये सैटेलाइट्स इन्होंने लॉन्च करी हैं अब आप में से काफी सारे ऐसे एस्पेरेंट्स होंगे जो सीधा सीधा इसका डेटा निकालना शुरू हो जाते होंगे कि हम लोग इसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें लेकिन जब तक क्वेश्चन डिमांड ना करें आप प्लीज डेटा एक्सट्रैक्ट मत किया करो अगर क्वेश्चन परसेंटेज से सॉल्व होता है तो हम लोग परसेंटेज से ही सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च बाय ब्राज़ील इज़ वॉट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च बाय नेपाल और यहाँ पर हिंदी हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाए थोड़े से इशूज हो गए थे ठीक है तो उसकी वजह से हिंदी नहीं आ पाई बट आई गैस की इतनी हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आज के सेशन में इंग्लिश से थोड़ा सा कोपअप कर लेंगे ऐसी कितनी सैटेलाइट्स हैं जो बिहार ने ब्राज़ील ने बिहार बोल रही हूँ जो ब्राज़ील ने लॉन्च की है वो नेपाल की लॉन्च सैटेलाइट्स का कितना परसेंटेज है अब यहाँ पर देखो टोटल सेम है अगर मैं बोलूं तो ब्राजील की 25 परसेंट ऑफ बारह हजार होगी ना और आप किसकी नेपाल की भी 30 परसेंट लोग बारह हजार का तो टोटल तो हमारा कॉमन है ना टोटल अगर कॉमन है तो परसेंटेज से सीधा काम चल सकता है देखो कैसे हमें निकालना है कि 25 परसेंट तीस परसेंट का कितना परसेंट है 25 परसेंट आ गया 30 परसेंट आ गया का कितना परसेंट है यही उसने पूछा है तो ये आ गया फाइव बाय सिक्स वन बाय सिक्स होता है सिक्सटीन बाई सिक्स सेवन फाइव बाई सिक्स कितना हो जाएगा इंटू फाइव हो जाएगा सिक्सटीन फाइवी थ्री 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 हो जाएगा 83.33 थ्री पॉइंट थ्री थ्री हो जाएगा राइट सबको समझ में आ गई अप्रोक्सीमेटली हम लोग आंसर देख रहे हैं इसका अप्रोक्सीमेटली यहां पे अगर आप लोग करते तो आप ऐसे लिखते पच्चीस परसेंट इंटू बारह हजार और तीस परसेंट इंटू बारह हजार इसकी वैल्यू से निकालते ना आप लोग इंटू हंड्रेड तो बारह हजार और परसेंटेज तो कट ही गया पच्चीस बाई तीस ही ना वही हमने किया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द रेशो ऑफ नंबर ऑफ रिमोट एंड कॉम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च बाई चाइना इज थ्री रेशियो टू जितनी चाइना ने लॉन्च की है चाइना ने कितनी किया पंद्रह परसेंट किया है बारह हजार का उसमें से रिमोट और कॉम्युनिकेशन थ्री इज टू टू के रेशो में तो क्या आप पंद्रह परसेंट को थ्री टू टू में बांट सकते हो मुझे दिख रहा है कि मैं बांट सकती हूँ तो मैं इसका वैल्यूज uh, नहीं निकालूंगी मैं रेशो से ही काम चलाऊंगी मैं परसेंटेज से ही काम चलाने की कोशिश करूंगी रिमोट uh, है और कम्युनिकेशन है थ्री इज टू टू में डिवाइड कर दो एक की वैल्यू आगे पांच टोटल uh, को रेशो के टोटल से डिवाइड करेंगे फिफ्टीन परसेंट को फाइव से डिवाइड करेंगे थ्री प्लस टू से एक की वैल्यू कितनी आई तीन तो तीन की आ गई नौ और दो की आ गई छ

आप लोग ऐसे करते ना सबसे पहले पंद्रह परसेंट निकालते जो आंसर आता है उसको थ्री रेशो टू में डिवाइड करते फिर टू की वैल्यू निकालते इतना करने की बजाय आप सीधा भी तो कर सकते हो आप ऑरली भी तो ये चीज की जा सकती है ना सीधा मेरे को पंद्रह परसेंट को थ्री रेसो टू ऑरली किया सिक्स परसेंट आया सिक्स परसेंट बारह हजार का कितना हुआ सेवन ट्वेंटी तो इस तरीके से स्पीड आती है आप लोग बोलते ना कि मैम स्पीड कैसे आती है स्पीड ऐसी आती है नई नई अप्रोचेस सीख के स्पीड आती है अगला क्वेश्चन देखो सब सही चल रहा है ओके नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय यूएस इज 20 परसेंट मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय इंडिया इंडिया ने कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च की 20 परसेंट टोटल सेम है देखो फिर से बोलोगे परसेंटेज से खेलेंगे 20 परसेंट लॉन्च की 20 परसेंट से 20 परसेंट ज्यादा है अगर मैं इसको बीस परसेंट कर रही हूँ या बीस कंसिडर कर रही हूँ इसमें बीस जोड़ दोगे इसका तो कितना बन जाएगा चौबीस बन जाएगा ना 20 में 20 का 20 परसेंट जोड़ोगे तो 24 बन जाएगा ना तो यानी कि यूएस की, की सैटेलाइट्स कितनी होगी 24 परसेंट ऑफ 12000 हज़ार मैंने क्या किया मैं फिर से बताती हूँ उसने बोला यूएस की इंडिया से 20 परसेंट ज़्यादा है इंडिया की कितनी थी 20 परसेंट ऑफ 12,000 उसने बोला इसका 20 परसेंट और जोड़ दो तो क्या ये नहीं आएगा जो मैंने किया यही आएगा ना तो यूएस की 24% हो गई और इंडिया की 20% हो गई समझ में आ रहा है ये ओरली भी हो सकता है लिखने की जरूरत नहीं है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन यूएस एंड रशिया यूएस और रशिया यूएस रश, और रशिया ठीक है रशिया की कितनी है 10% यूएस की कितनी है 24% तो 24% और 10% का डिफरेंस कितना हुआ 14% टोटल हमारे पास सेम है कर लो चौदह परसेंट कर लो बारह हजार का बारह इंटू चौदह इनकी मिड वैल्यू क्या होती है थर्टीन आपने वैदिक मैथ सीखी होगी फास्ट कैलकुलेशन सीखी होगी करनी ना तो जब भी ऐसे नंबर्स आते हैं जो एक के गैप में हो तीन के गैप में हो पांच के गैप में हो यानी कि उनका जो गैप हो ऑड नंबर का हो तो इनके बीच के डिजिट हम लोग फाइंड करते हैं बीच के डिजिट थर्टीन है थर्टीन का स्क्वायर करेंगे और जितना डिफरेंस होता है इनके बीच में यानी कि 12 और 13 के बीच में 13 और 14 के बीच में एक का डिफरेंस होता है उसको हम माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया 168, 168 आया ऑप्शन नंबर डी जिसको कैलकुलेशन आती हैं जिसने वैदिक मैथ्स या फास्ट कैलकुलेशन सीखी है उसको ये चीज पता होगी ठीक है अगला देखिए फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय इंडिया ब्राजील एंड नेपाल इंडिया

अब लिख के बताती हूँ? तीनों का टोटल किया 75% आया एवरेज निकालने के लिए थ्री से डिवाइड किया टोटल हमारे पास था 12000 25% ऑफ 12000 किया 25% को हम बोलते हैं 1/4 फ्रैक्शन में कितना आ गया आंसर मेरे पास 3000 अगला देखेंगे द रेश्यो ऑफ नंबर ऑफ नेटवर्क एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय रशिया इज 7:8 रशिया ने कितनी लॉन्च की थी टेन परसेंट और उसने बोला है कि एग्रीकल्चर और नेटवर्क किस रेशो में है सेवन रेशो एट में है बारह हजार का फाइंड द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड सेटेलाइट लॉन्च बाय रशिया और हमें ये कंसिडर करना है कि ऐसी दो तरीके की ही सैटेलाइट सिर्फ उसने लॉन्च की हैं इसके अलावा कोई और टाइप नहीं है तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितना आ रहा है टेन uh, परसेंट को मुझे सेवन रेशो एट में डिवाइड करना है अगर मैं सेवन रेशो एट में डिवाइड करना चाहूं तो मेरे पास टोटल आता है फिफ्टीन और टेन को मैं फिफ्टीन से डिवाइड नहीं कर सकती नहीं कर सकती ना तो हम लोग क्या करेंगे देखो इसका दस परसेंट तो निकाल ले सकते हैं कितना आ जाएगा बारह 1200 बारह को तो मैं फिफ्टीन से डिवाइड कर सकती हूँ कर सकती हूँ ना कितना आ जाएगा एट एट आएगा ना सेवन एट हजार फिफ्टी सिक्स और एट एट सिक्सटी फोर इसमें आप वैल्यू निकाल के कर सकते हो बारह हजार का दस परसेंट हुआ बारह सो बारह सो को पंद्रह से डिवाइड किया एक की वैल्यू आई अस्सी तो यहाँ पे हमें निकालनी क्या है आ, हमें निकालनी क्या थी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर हमारे पास आ गई सिक्स ठीक है आई होप आपको ये वाली डेटा इंटरप्रिटेशन समझ में आ गई होगी अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा वो केसलेट का रहेगा एंड मैंने इसके लिए जगह ही नहीं छोड़ी सॉल्व करने के लिए कोई बात नहीं हाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप एक बार ना केसलेट आराम से पढ़ लो कि इसमें बोला क्या हुआ है फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको ठीक है करें उसने बोला है कि यहाँ पे तीन डिफरेंट स्कूल्स हैं पी क्यू आर और जो स्टूडेंट्स उसमें पढ़ रहे हैं स्कूल्स में वो तीन डिफरेंट गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं स्नूकर गोल्फ और बैडमिंटन में तो यहाँ पे हमें ना एक वो बनाना पड़ेगा आ, टेबल बनाना पड़ेगा हम लोग ना यहाँ बना के देख लेते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस है यहाँ बनाओ वहाँ बनाओ एक ही बात है तो मेरे पास तीन स्कूल्स हैं पी क्यू आर और तीन ही स्पोर्ट्स हैं स्नूकर गोल्फ एंड बैडमिंटन स्नूकर गोल्फ बैडमिंटन ठीक है यहां पे टोटल आ जाएगा पी क्यू आर का और यहां पे टोटल आ जाएगा स्नूकर गोल्फ और बैडमिंटन का सबसे पहले उसने बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो तीन डिफरेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका रेशो कितना है फोर टू फाइव इज टू सिक्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ बच्चे किस रेशो में है फोर रेशो फाइव रेशो सिक्स में जितने टोटल होंगे इस रेशो में बांटना पड़ेगा सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीड इन स्कूल पी इज नाइन हंड्रेड जितने स्कूल पी के अंदर पढ़ रहे हैं बच्चे उनका पचहत्तर प्रतिशत यानी कि सेवेंटी फाइव परसेंट किसके बराबर है नौ सौ के सेवेंटी फाइव परसेंट यानी कि थ्री बाय फोर थ्री बाई फोर किसके बराबर है नौ सौ के मुझे तो टोटल स्टूडेंट्स चाहिए ना स्कूल में. मैं 75% से क्या करूंगी तो मुझे चाहिए हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट यानी कि वन वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी कितनी आ जाएगी बारह सौ दूसरे तरीके से करूं तो सेवेंटी फाइव परसेंट की वैल्यू थी नौ सौ तो सौ परसेंट की कितनी हो जाएगी इसको थ्री बाई फोर ही बोलेंगे वही मैंने यहां पे किया था कितनी आ गई बारह सो बारह सौ बच्चे आ गए अब बारह सौ की वैल्यू चार रेषो पांच एशो छ में डिवाइड किया हुआ है चार की वैल्यू बारह सो है चार की वैल्यू मेरे पास आ गई बारह सो तो एक की वैल्यू कितनी होगी तीन सौ बारह सो, सो डिवाइडेड बाई चार हम ऐसी करते हैं एक की वैल्यू आई तीन सौ तो पांच की हो गई पंद्रह सो और छ की हो गई अठारह सौ समझ में आ गया मेरे पास फोर के रेशियो का पता है कि 1200 वैल्यू है तो मैंने उससे एक की वैल्यू निकाल ली कितनी आ गई 1200 हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर दैट इज थ्री फिर उससे मैंने पांच की वैल्यू निकाल ली उससे मैंने छह की वैल्यू निकाल ली मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए आगे बोलता है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन स्नूकर एंड बैडमिंटन फ्रॉम स्कूल पे इज थर्टी टू परसेंट एंड फोर्टी परसेंट रिस्पेक्टिवली स्नूकर और बैडमिंटन कितना है थर्टी टू परसेंट और फोर्टी परसेंट स्कूल पी में फोर्टी परसेंट कितना हो जाएगा ट्वेल्व फोर और थर्टी टू परसेंट उसने बोला ना तो थर्टी टू परसेंट मेरे पास हो गया थर्टी परसेंट और टू परसेंट थर्टी परसेंट मेरे पास बारह सौ का कितना हुआ ट्वेल्व थ्री हजार थर्टी सिक्स थ्री सिक्सटी और टू परसेंट कितना हुआ चौबीस यानी कि थ्री एट्टी फोर अब एक तरीका ये है कि आप इनका टोटल करके इसमें से माइनस कर दो दूसरा तरीका यह है किसेंट कि तो बच्चे आप 28 का आंसर निकाल सकते हो लेकिन क्योंकि हम लोग टोटल करके भी निकाल सकते हैं तो उसी से निकालेंगे यहां पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा चार और तीन 480 और 380 मेरे पास कितना हुआ 60? Uh, 860, 860 में मैंने कितने जोड़ दिए तो दैट इज 864 अब 1200 में से मेरे को 864 माइनस करने हैं 864 ही करने हैं ठीक है तो यहाँ पे मैंने कितने माइनस किए पहले चार माइनस किया साठ माइनस किया कितना आ गया या मैं बोलूँ 1200 में से 800 निकाल दिए 400 बचा 400 में से 64 निकाले कितना बचा सिक्स थर्टी सिक्स थ्री थर्टी सिक्स बच्चा राइट right? तो मेरे पास गोल्फ के इतने बच्चे आ गए थ्री थर्टी सिक्स आगे मैं देखती हूँ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन गोल्फ एंड बैडमिंटन फ्रॉम स्कूल क्यू इज़ फोर एटी एंड फोर फिफ्टी तो ये इसने दिया हुआ फोर एटी एंड फोर फिफ्टी गोल्फ एंड बैडमिंटन टोटल कर लेंगे नाइन थर्टी आ जाएगा हमारे पास नाइन थर्टी में माइनस करूंगी तो सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव सेवेंटी आ जाएगा अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट उसने मेरे पास क्या बोला हुआ है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन गोल्फ फ्रॉम स्कूल आर इज थर्टी परसेंट स्कूल आर में गोल्फ के बच्चे हैं तीस परसेंट तो गोल्फ के बच्चे तीस परसेंट निकाल लोगे, 18, थ्री इज आर फिफ्टी फोर तीस परसेंट आ गए

1260 आया उसने बोला कि स्नूकर वाला 324 ज्यादा है 324 मैंने पहले ही साइड कर दिया 324 ज्यादा है 324 मैंने पहले ही साइड कर दिया जब मैं 324 पहले साइड कर दूंगी तो बाद में कितना बच जाएगा नाइन थर्टी सिक्स उसको आप इक्वल डिवाइड कर दो मैंने इक्वल डिवाइड क्यों किया क्योंकि जितना ज्यादा था उसको मैंने पहले ही दे दिया ज्यादा मैंने पहले ही दे दिया जो बचा उसको बराबर में डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा फोर सेवनटी एट फोर सिक्सटी एट ये आ जाएगा फोर सिक्सटी एट और फोर सिक्सटी एट में थ्री ट्वेंटी फोर और जोड़ दो स्नूकर का आ जाएगा सेवन नाइनटी टू तो ये मेरे पास सारे के सारे क्या आ गए स्टूडेंट्स आ गए

गोल्फ एंड बैडमिंटन फ्रॉम आर इन दोनों का टोटल यही आएगा तो इसको कट करना है ना मुझे एक हजार आठ आया तो यहां से अगर इसको मैं देखूं तो ये किसका मल्टीपल होना चाहिए टू का मल्टीपल होना चाहिए मतलब दो से तो कट ही रहा है ना इसको मैं अगर देखूं तो इसमें से कोई भी दो का मल्टीपल नहीं है ना इससे ये कट होना चाहिए इससे ये कट होना चाहिए इससे ये कट होना चाहिए आई डोंट थिंक सो कि इससे कट हो जाएगा मुझे प्रॉबेबली ये लग रहा है बाकी फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ क्या ये थर्टी नाइन से कट हो सकता है देख लेते हैं थर्टी नाइन हम लोग ना टू से कट करके थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं फोर सेवनटी सेवन फोर सेवनटी सेवन ही आएगा ना और ये हो जाएगा फाइव हंड्रेड एंड फोर ठीक है पांच सौ चार आ गया फोर सेवेंटी सेवन एंड फाइव हंड्रेड फोर ये थ्री से कट जाएगा फोर्टीन और फोर एटीन थ्री से कट जाएगा ना ये थ्री से कटेगा तो थ्री वन 3, थ्री फाइव हजार फिफ्टीन नाइन और ये कट जाएगा वन हज़ार ट्वेंटी सिक्स हजार एंड एट अब काट के देख लो थ्री पे कट जाएगा ना ये और ये भी थ्री पे चला जाएगा तो प्रॉबेबल आंसर क्या आ गया थ्री से काटोगे तो फिफ्टी थ्री रेशियो फिफ्टी सिक्स हो गया ठीक है मेरे को आइडिया यहां से लगा था कि टू का मल्टीपल होना चाहिए तो मेरी मेरा ध्यान सिर्फ इस पे गया बाकी इससे भी अगर आप चेक करते हो देखो फोर्टी फाइव से तो जा ही नहीं रहा था फोर्टी फाइव से जाने के लिए उसको एक या तो यूनिट डिजिट फाइव होनी चाहिए यूनिट डिजिट जीरो होनी चाहिए फोर्टी फाइव से तो जा ही नहीं रहा था बाकी से भी चेक करके देख सकते हो तो देख लेते हैं आगे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन बैडमिंटन फ्रॉम ऑल द गिवन स्कूल्स टुगेदर सारे के सारे बैडमिंटन वाले सारे के सारे बैडमिंटन वाले कितने हो गए चार 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 बारह हो गए बारह में हमने कितने जोड़े ग्यारह और आठ नौ तो ये थर्टीन नाइनटी हो गया थर्टीन नाइनटी एट हो गया थर्टीन नाइनटी एट ही हुआ ना हम्म ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीड इन स्कूल क्यू क्यू के टोटल कितने थे पंद्रह सौ पंद्रह से डिवाइड करना है तो अप्रॉक्सीमेटली पूछा क्या उसने नहीं हमें प्रॉपर आंसर देना पड़े पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली तो पूछा नहीं है फिफ्टीन नाइन ज़ार वन थर्टी फाइव होता फोर्टी एट फिफ्टीन थ्री ज़ार नाइनटी थ्री पॉइंट समथिंग तो नाइन्टी थ्री पॉइंट टू हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है अगला देखेंगे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन बैडमिंटन फ्रॉम स्कूल क्यू स्कूल क्यू के बैडमिंटन वाले फ्लिकर हो रही है आया स्कूल क्यू के बैडमिंटन वाले देख लेते हैं 450 फिफ्टी uh, डिफरेंस निकालना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन स्नूकर फ्रॉम स्कूल पी ओके परसेंटेज बताना है कि बैडमिंटन कितनों ने प्ले किया स्कूल क्यू से तो टोटल बच्चे थे 1500 परसेंटेज आ जाएगा ये और परसेंटेज निकालना है स्नूकर फ्रॉम पी स्नूकर फ्रॉम पी इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए ठीक है आ, ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा इससे ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर हो जाएगा फिफ्टीन थ्री कितना आ रहा है टू परसेंट तो ऑप्शन नंबर बी दो परसेंट का डिफरेंस है वो पॉजिटिव नेगेटिव वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि उसने डिफरेंस ही पूछा है परसेंटेज का उसने नंबर्स नहीं पूछे हैं। फाइंड द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन गोल्फ एंड बैडमिंटन फ्रॉम आर सेम जैसे इसकी परसेंटेज निकाली है वैसे ही अब परसेंटेज निकालनी है गोल्फ एंड बैडमिंटन फ्रॉम आर आर के गोल्फ और बैडमिंटन देखने हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 0161 1260 1260 आ गया यस yes. टोटल थे हमारे पास 1800 कितने बच्चे हो गए 60 हुए 70 हुए 70 हुए ना इसके वेट अ सेकेंड पार्टिसिपेटेड इन गोल्फ एंड बैडमिंटन फ्रॉम आर अच्छा गोल्फ एंड बैडमिंटन मैंने स्नूकर ले लिया ना 540 फोर्टी प्लस फोर 540 और 468 को करना है तो 540 फोर्टी एंड फोर था टोटल लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा 54 46 टोटल हो गया सो अठारह सौ थे एटीन फाइव नाइनटी अभी भी कितना आ रहा है 108 आ रहा है क्या वन जीरो ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन करें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन स्नूकर एंड गोल्फ टुगेदर फ्रॉम पी स्नूकर और गोल्फ फ्रॉम पी देखना है स्नूकर और गोल्फ कितना टोटल आ जाएगा एटी फोर और थर्टी सिक्स मेरे पास हो गया वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी और सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी हो गया इज अप्रोक्सीमेटली वाट परसेंटेज मोर और लेस दैन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम गोल्फ इन स्कूल क्यू एंड आर गोल्फ बताना है क्यू एंड आर का इसका टोटल हो जाएगा वन जीरो टू जीरो उसने बोला कितना परसेंट ज्यादा है दो तरीके हैं एक तो ऐसे निकल जाएगा जितना परसेंट आए उसको सौ परसेंट से कंपेयर कर दो आ, यहां पे अगर मैं देखूंगी तो ये जो सेवन ट्वेंटी है ये इससे कम है ना मोर और लेस पूछा तो इससे लेस है ना तो यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन तो आएंगे ही नहीं मोर वाले ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे आंसर आपको यहां से निकालना ही नहीं है लेस है तो लेस हम देख लेते हैं कितना है या तो ऐसे निकाल के आप हंड्रेड परसेंट से कंपेयर कर दो या फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो और जिससे कंपेयर करना है उससे देख लो कितना आ जाएगा 102 यानी कि तीन लगभग तीन लगभग 30% तो लगभग 30% के अराउंड का आंसर मेरे पास 29% है तो 29% आंसर हो जाएगा हमें अप्रॉक्सिमेटली पूछा तो हमने अप्रॉक्सिमेशन दिया और यहाँ से सॉल्व करके तीन आया अगर इससे हम लोग सॉल्व करते हैं तो लगभग कितना आता लगभग 70% आता तो ये 100% से कंपेयर कर लो कितना कम है सेंट कम है तो तीस परसेंट के आसपास का आंसर ये था ये हमारा आंसर हो जाएगा सो so ये आज के दो क्वेश्चन थे आई होप आपको क्वेश्चन की अप्रोच यहाँ पे अप्रोच मैटर करती है यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि हमने सॉल्व किए आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे नया सीखने को मिला होगा एंड अगर आप लोग किसी भी बैंक या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो एंड आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट लगाने हैं टाइमर के साथ जो भी हमारे टेस्ट होते हैं जो कि हम सबको लगाना चाहिए तो यहां पे हमारी ही वेबसाइट जिनको नहीं पता जिनको पता है उनको तो पता है कि वेबसाइट पे अवेलेबल है जिनको नहीं पता हमारी वेबसाइट है स्टडी नीति डॉट कॉम स्टडी नीति डॉट कॉम और प्ले स्टोर पर हमारी ऐप भी है स्टडी नीति के नाम से आप उसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल भी कर सकते हो फोन पे भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो वेबसाइट पे भी दे सकते हो यहाँ पे हमारा थ्री सेवेंटी फाइव रुपीज़ का पैकेज है जिस जिसकी वैलिडिटी वन ईयर रहती है और यहाँ पे हम आपको हर एक इंश्योरेंस और बैंकिंग एग्जामिनेशन के हर एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं बिगिनर टू एडवांस लेवल प्रोवाइड करते हैं एंड बाकी की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट या अप्लीकेशन विजिट कर लेना आपको वहाँ से प्रॉपर मिल जाएगा क्वालिटी की अश्योरेंस आपको मैं देती हूँ कि क्वालिटी आपकी टॉप नॉच रहेगी एकदम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हु बहू क्वेश्चन वैसे ही होंगे जैसे एग्जाम में आते हैं और इंटरफेस भी हमारा बिल्कुल सेम है तो यहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल सकता है मार्क्स अपने मैक्सिमाइज करने का तो एक बार इसको जरूर चेकआउट कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना आज के लिए इतना ही था कल हम लोग एक फिर से नया सेशन करेंगे फिर से नए नए क्वेश्चन करेंगे टिल देन स्टे ट्यून गुड लक स्टे हैप्पी एंड बाय बाय ऑल द बेस्ट